उत्तराखंड निर्माप का कथ है सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में एक व्यक्ति को शराब का नशा 10,000 रुपए का पड़ गया। चंपावत पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार जिले के लोहाघाट में एक व्यक्ति निगर सिंह निवासी सुन ने शराब के नशे में 112 पर सूचना देकर बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके परिवार के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने जानकारी जुटाई तो सूचना यूटी मिली, जिस पर व्यक्ति के खिलाफ धारा 83 पुलिस अधिनियम में 10,000 के चालान की कार्रवाई की गई। पुलिस ने सहायता के लिए जारी किए गए 112 नंबर का गलत उपयोग न करने की लोगों से अपील की है। पिथौरागढ़ जनपद के बेरीनाग में गुलदार के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। बीते 3 सप्ताह पूर्व कचरेत गांव में गुलदार ने एक बच्ची को अपना निवाला बना लिया था। आज सायं गुलदार ने एक महिला पर हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया। गांव में पहुंचकर गुलदार के हमले से लोगों में दहशत व्याप्त है। ग्रामीणों ने वन विभाग से शीघ्र गुलदार के आतंक से निजात दिलाए जाने की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार बेरीनाग तहसील मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर नगौर गांव में आज मंगलवार शाम 5 बजे गीता देवी उम्र 50 वर्ष पत्नी कैलाश चंद अपने घर से कुछ दूरी पर जानवरों के लिए घास काट रही थी। तभी गुलदार अचानक पीछे से आ गया और महिला पर हमला बोल दिया। गुलदार के हमले में महिला के सिर और गर्दन पर गहरे घाव बने हैं, जिससे महिला लहूलुहान हो गई और इस दौरान आसपास मौजूद महिलाओं ने शोर मचाया तो गुलदार जंगल की ओर भाग गया। घायल महिला को लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र चौड़मनिया गए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। महिला के सिर और गर्दन में गहरे घाव बताए जा रहे हैं। दिन दहाड़े गुलदार के द्वारा हमला किए जाने से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। प्रधान संगठन के पूर्व उपाध्यक्ष ललिता प्रसाद नागिला और ग्राम प्रधान सुंदर राम ने वन विभाग से शीघ्र गुलदार को पकड़ ले जाने की मांग की है। नगौर गांव से लगा हुआ चित्रित गांव में 3 सप्ताह पूर्व गुलदार ने एक बच्ची को अपना निवाला बना लिया था। लगातार गुलदार के आतंक से क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। SDM मंजीत सिंह ने बताया कि जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया था। वन क्षेत्र अधिकारी चंदा मेहरा व वन विभाग की टीम हमले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की गांव में पहुंच गई थी। गांव में वन विभाग की टीम को गश्त के लिए तैनात कर दिया गया। अश्लील वीडियो कॉल करने व पुलिस अधिकारी बनकर डराते हुए एक व्यक्ति से 45 लाख से अधिक की धनराशि हड़पने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया। बीते अगस्त माह में मामले में संलिप्त एक आरोपी को मथुरा से गिरफ्तार किया जा चुका है। पिथौरागढ़ पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते जुलाई माह में जिला मुख्यालय के लिंडुरा क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने साइबर सेल में तहरीर देकर बताया था कि उसे किसी अनजान नंबर से अश्लील वीडियो कॉल आया और पुलिस अधिकारी बताकर डरा धमकाकर उससे 45,43,000 रुपए की ठगी कर ली। तहरीर के आधार पर कोतवाली में मामला दर्ज करते हुए पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार CEO नरेंद्र पंत के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम का गठन किया गया और टीम द्वारा साइबर सेल की मदद से जानकारी जुटाते हुए मामले से संबंधित आरोपी महावीर गुज्जर उर्फ पवन पुत्र विजेंद्र निवासी दिल्ली दरवाजा जिला डीक राजस्थान उम्र 24 वर्ष को कामा राजस्थान से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इधर पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने कहा कि वर्तमान में टैक्स आर्सन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसमें साइबर ठग फेक ID बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और फ्रेंडली माहौल बनाने के बाद अश्लील बातें की जाती हैं। कुछ देर या दिनों बाद यह बातें वीडियो कॉल में शुरू हो जाती हैं। वीडियो कॉल करके न्यूड तस्वीरें व वीडियो दिखाई जाती हैं, फिर इन्हीं रिकॉर्डेड को वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेलिंग की जाती है। उन्होंने आम जनता से एक्सटार्सन का झांसे में न आने तथा किसी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट न करें और न ही अनजान नंबर से वीडियो चैट करने की अपील की है। जागरूक रहकर ही सुरक्षित रहा जा सकता है, नहीं तो किसी को भी एक्सटार्सन का शिकार होना पड़ सकता है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक हरीश सिंह व जावेद हसन, हेड कांस्टेबल नंदन अधिकारी, कांस्टेबल सुरेश सिंह, हरिंदर सिंह, सत्येंद्र दयाल, SOG कांस्टेबल आनंद सिंह, सोनू गार्की, SOG साइबर सेल टीम, निरीक्षक मोहन चंद पांडे, प्रभारी साइबर सेल उप निरीक्षक मनोज पांडे, उप निरीक्षक पंकज तिवारी, कांस्टेबल विपिन ओली, कांस्टेबल मनोज कुमार शामिल थे। देखिए, देश भर में जो ये एक सेक्सटोशन का गैंग है, जो कि एक फर्जी फेसबुक पे ID बनाते हैं और लोगों के साथ वीडियो कॉल करते हुए एक नग्न महिला की वीडियो चलाते हैं और उसके बाद YouTube पर वीडियो अपलोड करने के नाम पर ये लोगों को डराते हैं और उनसे फिर एक्सटोशन करते हैं। इस प्रकरण में काफ़ी शिकायतें हमारे पास आ रही थी, जिसमें जिला पिथौरागढ़ में ही कुल 5 शिकायतें हमारे पास प्राप्त हुई थी, जिसमें लगभग 49 लाख रुपये इन वादियों से जो थे लिए गए थे। इसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई करते हुए एक इसमें जो मुख्य आरोपी था
उसको हम लोगों ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है और आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। इससे पहले भी हम लोग इसी सेक्सटोशन गैंग के 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुके हैं और हमारी अन्य टीम्स भी इसमें काम कर रही हैं, जो कि इनके अन्य अभियुक्तों को भी हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं जनता से भी ये एक कहना चाहूँगा कि यदि आपको कोई सोशल मीडिया पे महिला बनकर आपसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो कृपया इस तरह के फ्रेंड रिक्वेस्ट को ना एक्सेप्ट करें। और यदि आपको कोई गलती से आपसे वीडियो कॉल हो जाती है और आपसे पैसे की डिमांड करते हैं तो कृपया इस प्रकार की डिमांड से डरे नहीं और इसकी सूचना पुलिस को अवश्य दें ताकि हम लोग इनके खिलाफ जो है कार्रवाई कर पाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।